हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, उसके आगे के टॉपिक जिसमें हम देखेंगे संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां, दो टॉपिक को कवर करने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दो टॉपिक को कवर किया था, नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और प्लीज़ आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भागों में विभाजित किया गया। भारत का जो संविधान है कितने भागों में विभाजित है, तो टोटल 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, ये ध्यान रखिएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो भाग 20 के अंतर्गत देखने को मिलता है। भाग 20 के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की प्रावधान की गई है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए किस भाग में, तो भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के संबंध में ये बात की गई है। और भाग 20 के लिए जो संशोधन प्रक्रिया है वो 368 अनुच्छेद के तहत होता है। कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये ग्रहण किया गया था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया। विशेष उपबंधों का प्रावधान, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तो ये ध्यान रहेगा। भाग 21 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 21 यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। यानी पंचायत के संबंध में बात हमारे संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ये भाग 9 के अंतर्गत आता है। भाग 9 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 के अंतर्गत ही, भाग जो 9 के क है उसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संबंध में बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किस भाग में नीति नियामक तत्वों का उल्लेख किया गया। नीति नियामक तत्वों का उल्लेख कहाँ पे है, भाग 4 के अंतर्गत। भाग 4 के अंतर्गत, और ये कहाँ से ग्रहण किया गया, आयरलैंड से ग्रहण किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद राज्य के नीति नियामक सिद्धांतों की उल्लेख किया गया। संविधान के भाग एक में निम्न में से किसका वर्णन है। संविधान के भाग एक में किसका वर्णन है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए। यानी मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो भाग 3 आता है। भाग 3 आता है, और ये कहाँ से ग्रहण किया गया, तो यूएसए के संविधान से इसको ग्रहण किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर के 35 तक इसका अनुच्छेद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में देखने को मिलता है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के क में इसको जोड़ा गया था। भाग 4 के क में जोड़ा गया था, ये ध्यान रहेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसका अनुच्छेद कितना होता है, तो अनुच्छेद 51 का क आता है। जैसे कि हमने देखा था 36 से लेकर के 51 तक राज्य के निदेशक तत्व आते हैं, तो 51 के क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को रखा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किया गया, तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान का भाग जो कि 4 किसके बारे में बताता है। भाग 4 का संबंध किससे है, ऊपर हम लोगों ने देखा था भाग 4 किसको बताता है, राज्य के निदेशक सिद्धांतों को बताता है, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है वो भाग 5 में की गई है। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, इसका अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक आता है। 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया। नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग 2 में किया गया, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। 5 से लेकर के 11 तक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सीखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे पहले सूची में भाग दिए गए, दूसरे सूची में उसके संबंधित क्षेत्र के बारे में बताना है कौन किसके साथ होगा। तो चलिए अगर हम भाग 9 की बात करें तो भाग 9 हमने देखा था किससे था, वो पंचायत से था। तो पंचायत यहाँ पे कहाँ पे मिला सकते हैं, तो फर्स्ट का तीन के साथ देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसी तरह से भाग 8 की बात करें तो भाग 8 यहाँ पे हो जाता है संघ क्षेत्र। ठीक है, संघ क्षेत्र भाग 8 के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो कि 4 का फर्स्ट किससे था, मूल कर्तव्य के साथ, मूल कर्तव्य के साथ यानी सी का
फोर के साथ, सी का फोर यहाँ पे। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो ये था संविधान के भाग से संबंधित जो प्रश्न दिए गए थे वो। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाला जो टॉपिक है, संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थे, कमेंट करिए जल्दी से। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा बनाए गए जो प्रारूप समिति में कितने अनुसूचियाँ थी, तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ये ध्यान रखिएगा। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो यही आपका हो गया मूल संविधान में जो पारित हुआ था वो उस वक्त 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, क्या यार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहली संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, 1951 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1951 में पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था, तो ये आपका 10वीं अनुसूची शामिल किया गया था 1985 में, जो कि 52वीं संविधान संशोधन। इसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से हो जाता है, जिसको आयराम गयराम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसमें ग्यारहवीं अनुसूची। देखिए 9वीं आपका 1951 में, 10वीं आपका हो गया 1985, और तीसरी यहाँ पे अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन 1992-93 होता है, तो ये ध्यान रहेगा 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन की 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तब 74वें की बात आ रही है तो 74 यहाँ पे 12वीं अनुसूची हो जाएगा, और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका का उल्लेख किया गया। ठीक है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की दूसरी अनुसूची में अगर हम बात करते हैं तो जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन के संबंध में बात की गई है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के संबंध में बात की गई है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया। संघ एवं राज्यों का जो वर्णन है वो आपका प्रथम अनुसूची में देखने को मिलता है, प्रथम अनुसूची ऑप्शन ए। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन, ध्यान दीजिएगा वेतन की जब बात आ रही तो आप वहाँ पे दूसरी अनुसूची को टिक करेंगे। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है, और विभिन्न पदाधिकारियों की जो अगर शपथ की बात करते हैं तो शपथ आपका तीसरी अनुसूची में दिया गया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किस है। तो तीसरी अनुसूची भी जस्ट मैंने बताया कि दूसरी अनुसूची में जो वेतन के संबंध में, तो इसमें तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान से संबंध रखता है, शपथ और प्रतिज्ञान यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करें। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया, यानी कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया वो किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है, ये ध्यान देगा चौथी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या फिर अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है, स्वशासित जिला परिषदों से है, तो ये आपका छठी अनुसूची यहाँ पे हो जाएगा, छठी अनुसूची ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलता है, 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट वन दिया गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, ऑप्शन सी भाषाओं के साथ। अगला क्वेश्चन, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बताइए कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आपका ये 9वीं अनुसूची हो जाएगा। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, बताइए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होगा। देखिए किसी भी राज्य के अगर हम बात करें या फिर किसी भी भारत के क्षेत्र में अगर परिवर्तन की बात कही जाती है तो वो आपका अनुसूची प्रथम होगा, प्रथम अनुसूची में ही परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुसूची एक। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में देखने को मिलता है।
दल बदल विरोधी कानून जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से। भारत की 6ठी अनुसूची में किस राज्य को लागू नहीं किया गया? देखिए, 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आता है। मिजोरम और त्रिपुरा आता है, ना कि मणिपुर आएगा। यहाँ पे डी जो कि गलत है, यहाँ पे मिजोरम होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा मिजोरम। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ अनुसूचियाँ दी गई, दूसरी तरफ संबंधित विषय दिया गया। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा संबंध रखता है, यानी फर्स्ट का 3 के साथ। फर्स्ट का 3 ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर आप सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ संबंध करना है। फिर से आपका वही अनुसूचियाँ और संबंधित विषय। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं के साथ संबंध रखता है, तो भाषा इसमें कहाँ दिया गया? 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। देखिए, फर्स्ट का 3 के साथ, तो फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बी का फर्स्ट यहाँ पर मिल रहा है, बी का फर्स्ट। यानी 9वीं अनुसूची का संबंध किससे था? सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, यानी बी का फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही। और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से, यानी सी का 2 के साथ। सी का 2 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्या है? प्रशासनिक उपबंध और अनुसूचियाँ दी गई हैं। जैसे 4 राज्यों का उल्लेख, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का उल्लेख किस अनुसूची में? तो 6ठी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का डी के साथ मैच करेंगे। फर्स्ट का डी के साथ कहाँ पे मिल रहा है? फर्स्ट का डी आपका देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बी का 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा है, बी का 3 यहाँ पर भी आपका मिल रहा है। 7वीं अनुसूची जिसमें हम लोग 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का आवंटन किया गया राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में। तो अखिल भारतीय सेवा इसके अंतर्गत आ गया। और अगर हम बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये किसके अंतर्गत आएगा? दूसरी अनुसूची, क्योंकि इनके वेतन के संबंध में बात की गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न पदाधिकारी के वेतन के संबंध में, तो सी का फर्स्ट के साथ। सी का फर्स्ट कहाँ पे मिल रहा है? सी का फर्स्ट देखिए यहाँ पर है, यानी अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। और डी का संबंध तो आपको पता ही है, 5वीं अनुसूची यहाँ पे हो ही जा रहा। तो कुल मिलाकर अगर हम ऑप्शन देखें तो बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। 8वीं अनुसूची भाषाओं के साथ, दूसरी अनुसूची यहाँ पे शपथ और प्रतिज्ञा गलत है, क्योंकि दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है, ना कि शपथ। शपथ का उल्लेख जो है वो 3री अनुसूची में देखने को मिलता है, जबकि 4थी अनुसूची राज्यसभा के सदस्यों का यानी सीटों का आवंटन, ये बिल्कुल सही। और 10वीं अनुसूची में दल बदल आधार, तो ये आपका बी गलत है, बी को टिक करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? 4थी अनुसूची का सही वर्णन कौन करता है? तो 4थी अनुसूची में राज्यसभा के जो स्थान है उनके आवंटन से संबंधित उपबंध इसमें किया गया, तो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स जो है वो आपका संबंधित विषय और अनुसूची के साथ मैच करना है। जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें किया गया? तो ये आपका किया गया, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख मिलता है वो हम कहाँ पे देखेंगे? ये हम देखेंगे प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में, क्योंकि संबंधित जो क्षेत्र है प्रशासनिक राज्य के केंद्र और क्षेत्र के संबंध में जो भी बात की गई है वो प्रथम अनुसूची में। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, वेतन की बात आ रही है तो दूसरी अनुसूची, ये ध्यान रखिएगा। और क्या है, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, यानी पद और जो भी उसके शपथ हैं वो आपका 3री अनुसूची में, प्रतिज्ञान और शपथ और प्रतिज्ञान, तो सी का 3rd के साथ। यानी बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी में देख लीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से इन सूचियों में से कौन सी जो सूची है वो राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो पहली अनुसूची ही आपका राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंध रखता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, यानी कि जोड़ा गया था किससे, परिवर्तित है? यह आपका प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस अनुसूचियों में इसके आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो अपर में ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई परिवर्तन करना होगा तो पहली अनुसूची में ही छेड़छाड़ करना होगा, यानी पहली यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची का सही सही? तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, विभिन्न जो राज्य क्षेत्र हैं उनके सदस्यों का, राज्यसभा में सदस्यों के सीटों का आवंटन इसमें किया गया, यह राज्यों के परिषद के सीटों का बंटवारा करता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें मैच करना है सूची वन को सूची दो के साथ। तो देखिए पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियों का विवरण है वो सातवीं अनुसूची में देखने को मिलता है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मैच है। भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में मिलता है, ये भी सही। भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधी अधिनियम नौवीं अनुसूची, ये भी सही है। दल बदल निरोधक जो अधिनियम है वो दसवीं अनुसूची। तो सभी के सही बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है, एक दो तीन चार यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो बताइए कि क्या है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ध्यान दीजिएगा, पाँच और छः दोनों में वही बात कही गई है, लेकिन जो आपका अनुसूची पाँच है उसमें विभिन्न राज्यों के बारे में बात कही गई, लेकिन अनुसूची जो छः होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ चार राज्यों के बारे में ही उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे कि विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध कहाँ पर है, तो वो पाँचवीं अनुसूची हो जाएगा, पाँचवीं अनुसूची, ठीक है, पाँचवीं अनुसूची करेक्ट है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन से पूछता हूँ कि छठी अनुसूची में किन चार राज्यों का उल्लेख है, आप एक बार कमेंट करके बताइए, ऊपर हम लोगों ने नाम देखा था तो आई होप कि आपको याद हो। तो चार राज्य कौन कौन से, उनका नाम आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।